उपचार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यदि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो शरीर आपको किस तरह से संकेत देना शुरू कर देता है ताकि आप वक्त रहते ही इसका ट्रीटमेंट करा सकें। दोस्तों, आजकल की अनियमित जीवन शैली की वजह से और गलत खान पान की वजह से ज़्यादातर लोग किसी न किसी बीमारी से परेशान हैं और उन्हीं में से एक बीमारी है हार्ट अटैक की बीमारी। आजकल ज़्यादातर लोगों में ये बीमारी देखने को मिलती है। हार्ट की बीमारी का सबसे बड़ा कारण शरीर में बढ़ता हुआ खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर है। शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, जो दिल की बीमारी का कारण बनता है। बैड कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक और स्ट्रोक के जोखिम को ज़्यादा बढ़ाता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर शरीर के कई हिस्सों में लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अगर आप समय रहते सतर्क हो जाएं, तो कई बीमारियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। दोस्तों, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर नसों में खून जमने लगता है और जब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो नसों को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से खून का प्रभाव शरीर में ठीक तरह से नहीं हो पाता। ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल दिल और दिमाग वाली नसों पर असर डालता है और जिसकी वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। आइए अब हम आपको बताते हैं शरीर के कौन कौन से हिस्से आपको संकेत देने लगते हैं कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ चुकी है। पहला है आँखों में पीले रंग का फैट जम जाना। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण आँखों में भी दिखाई देते हैं। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर काफ़ी बढ़ गया है तो आँखों के ऊपर या कोने में पीले रंग का फैट जमा होने लगता है। साथ ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर आँखों की पुतली के नीचे या ऊपर एक रिंग जैसा दिखाई देता है और ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के मुख्य लक्षणों में से एक है। दूसरा है पैरों और एड़ियों में दर्द होना। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण पैरों में भी दिखाई देते हैं। अगर आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो पैरों और एड़ियों में अक्सर दर्द महसूस होता है। साथ ही अगर आपके हाथ पैर ठंडे रहने लगें तो भी आप सतर्क हो जाएं। ये भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक लक्षण है। तीसरा है थकान और कमजोरी महसूस होना। अगर आपको पहले की अपेक्षा ज़्यादा थकान और कमजोरी महसूस होने लगी है तो ये भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की तरफ इशारा देती है। चौथा है त्वचा और नाखून का रंग बदलना। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर त्वचा और नाखून का रंग भी बदलने लगता है, क्योंकि शरीर में ब्लड फ्लो ठीक तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से त्वचा का रंग सामान्य नहीं रहता। त्वचा का रंग डल हो जाता है, त्वचा की चमक चली जाती है। और पांचवा है शरीर का वजन अचानक से बढ़ जाना। वजन का अचानक से बढ़ना भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षणों में से एक है। अगर अचानक से आपका वजन बढ़ने लगे तो आप सतर्क हो जाएं। ये लक्षण भी बढ़ते हुए कोलेस्ट्रॉल की तरफ इशारा करता है। दोस्तों, ये पांच लक्षण हैं जिनसे आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने लगा है। तो इन लक्षणों को पहचान कर आप अपना ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं ताकि आप कई जानलेवा बीमारियों से अपने आप को बचा सकें। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारी ये वीडियो और दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।